इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ये बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। खूब सारा वीडियो आएगा, खूब सारा मजा आएगा, मजा ना आए तो पैसे वापस। हेलो, ओह व्हाट अ गो एक्सीडेंट लेडीज। कौन बात कर रहे हैं? मैम लेडीज बउआ बोल रही हूँ। दीदी किससे बात करनी है? आपसे दो मिनट चाहिए था। आप मुझे जानते हैं? सिर्फ दो मिनट चाहिए। नहीं नहीं नहीं, जब जानते नहीं है तो बात कैसे करनी है? नहीं कर सकती आप? नहीं। फोन काटेंगी? बिल्कुल प्लीज। हेलो हेलो, मैं बोल रही हूँ फोन नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। माँ को फोन करना। अरे उल्लू का बच्चा, पुलिस आएगी ना घर पे डंडे लेके, सुनने आ जाएगा तेरे। एक बार दो बार 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 परेशान करना। एक मिनट बस। कोई एक मिनट नहीं है, यहाँ फोन रख नीचे। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरी जान की सवाल है तो फिर? अपनी बहन से बात कर। मैंने सिर्फ दीदी बोला आपको। अरे दीदी बोलो या कुछ भी बोलो। आपको दीदी बोला मैंने, जान की बात है। तब बोल, क्या बोलना है? टाइम नहीं है। देखिए गर्लफ्रेंड बड़ी रूड होती है। हाँ तो बोल क्या करूँ फिर। और गर्लफ्रेंड को जान भी बोलते हैं। अच्छा। और रूड यानी पत्थर दिल। अच्छा जी। और जान यानी सीमेंट में जान। अच्छा। यानी सीमेंट भी पत्थर हो जाता है। अच्छा। यानी गर्लफ्रेंड पत्थर होती है। तो इससे साबित क्या करना चाहता है तू? यही कि सीमेंट में जान होती है। हाँ तो नहीं तो आप इतना पत्थर, सॉरी सीमेंट, सॉरी जान, सॉरी जान होगी तेरी माँ। नहीं गलत वो। मैं इतने तमीज से बात कर रहा हूँ, आप क्या कर रही है दीदी? हेलो, ये सीमेंट। हंस रही है आप? मन में हंस रही है आप? आपकी हंसी हंसी झूठ रही है। तो ये जो अपनी बातें बता रहे हैं ना, बनावटी बातें। बनावटी नहीं है आप। एक सेकंड, मेरे पापा ने मकान लिया लेकिन मेरी माँ ने उसे घर बनाया। घर भी सीमेंट से बनता है और घर औरत से भी बनता है। यानी औरत सीमेंट की तरह होती है, यानी पत्थर होती है। सीमेंट की बोरियां ले आओ अपने। एक चीज बताइए, आप बीच में हंसी थी या नहीं हंसी थी? बस हंस रही है, बहुत बढ़िया। रख दे नीचे। रख देता हूँ मैं। सीमेंट में क्या होती है? सीमेंट अपनी माँ को दे, अपने में घुसा ले। हंस भी रही है, गंदा भी बोली थी यार। हेलो हेलो जी। हेलो, हमारा समाज लेस हो गया है। लेस समाज के बारे में बाद में, मैं अभी कहीं जल्दी जा रहा हूँ, जल्दी बता। मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। एक सेकंड रुकिए, आप जल्दी, जिन्हें जल्दी थी वो चले गए, धीरे चलोगे, बार बार मिलोगे, जल्दी चलोगे हरिद्वार में। मैं कह रहा हूँ हमारे समाज लेस हो गया है। लेस मतलब? मैं समझा नहीं भाई। जैसे हमारा फोन वायरलेस है, हमारा गैस वायरलेस है, ये पता मुझे। मेरी बात सुन, मेरी बात। हमारी गाड़ी जो है वो कीलेस है, हमारा फूड जो है वो फैटलेस है, टायर ट्यूबलेस है, हमारे ड्रेस स्लीवलेस है, यूथ जॉबलेस है, हमारे कुछ नेट करप्ट नेता हैं वो सेमलेस हैं, एटीट्यूड केयरलेस है, रिलेशनशिप मीनिंगलेस है, हमारी वाइफ जो हैं वो फियरलेस हैं। भगवान करे तू गलेस रहे। आप तो सेमलेस निकले, इतना गंदा बोल रहे हैं आप, सेंसलेस आदमी। हमारी हमारी मेरा चाटा बड़ा लेस है मेरे साथ। चाटा एक से हमारी जो इकोनॉमी है वो कैशलेस होने जा रही है, लेकिन हमारे अरमान एंडलेस हैं। मैं बंदूकों से लेस हूँ। अच्छा, बता रहा हूं। अच्छा, उस बंद मारूंगा ऐसे ऐसे छेद में, तेरा बाल लेस कर दूंगा, इतना मारूंगा गंजा हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ कहना आ रहा है आपको? घटिया आदमी की तरह बात कर रहे हैं आप। और तू बड़ा समझदार है। हाँ, तो? मैनरलेस। मैं तेरे पीछे कोनी मारूंगा। क्या कह रहे हो? पीछे कोनी मारूंगा बहुत जोर की। पीछे को, पीछे मतलब पीठ पे? पीठ पे नहीं, उससे नीचे आ जा। अच्छा, मतलब कमर पे कोनी मारेंगे? कमर से थोड़ा और नीचे आ। अच्छा, जांघ पे कोनी मारेंगे? अब थोड़ा ऊपर चढ़। अच्छा, कमर पे कोनी मारेंगे? भगवान ने तेरे को नवाजा है या नहीं? आपके पास होती, तेरे पास नहीं है। गलत बोल रहे हो आप। सेमलेस। चला जाओ। चैट फोन रखो। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपको? मुझे तो आ रही है, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? मैं कह रहा था मैं बउआ बोल रहा हूँ, दो मिनट चाहिए समाज को कुछ कुछ मैसेज देने के लिए, समझाने के लिए। मैं अक्सर फोन लगाया करता हूँ लोगों को, आज आपका लग गया है। पिछले दो तीन लोगों ने काट दिया फोन, इसलिए बात नहीं हो पाई। दो मिनट में बातें खत्म, आप हो कि निपट लिए? हम तो है, लेकिन आपको कई लोग हैं जिनको हंसते वक्त गाल में डिम्पल पड़ते हैं, गड्ढे। हेलो यार, तो आपने मेरे को क्यों फोन कर? वही कह रहे हो, आपके पड़ते नहीं पड़ते? नहीं, आपने हमें क्यों फोन करा? एक सेकंड दे दो भाई साहब, यही समझा दूंगा। एक मिनट, कि जो ज्यादा हंसता है गाल में ज्यादा गड्ढे पड़ते जाते हैं, और अक्सर लोगों ने कहा है कि जो आदमी ज्यादा हंसता है अंदर से वो ज्यादा इमोशनल होता है, अकेले में रोता है। वो गाना भी था ना, तुम ही तीना जो मुस्कुरा रही हो,
क्या गाँव है जिसी को ऐसा कुछ नहीं किया जाता, मैं बता दूं आपको। तो आदमी को गड्ढे क्यों दिए गाल में, देखो तो ज्यादा हंसने वाला अंदर से रोता है, अकेले में रोता है, और अकेले में ही आदमी कुछ ऐसे काम भी करते हैं जैसे वसीयत बनाने का काम, ओपनली करता नहीं है। अब वसीयत बनाते वक्त अगर वो रो रहा है तो सीधा वो आंसू की बूंद वसीयत पे गिरी, वसीयत खराब, जिसके नाम कुछ करना था घर वालों के नाम कुछ कर नहीं पाए, बेचारे आपके जाने के बाद घर से बेघर हो गए, वकील सारा कुछ लेके बैठ जाएगा। इसीलिए गाल में गड्ढे बनाता है भगवान, जिससे जब आंसू आंख से निकले तो गड्ढे में गड्ढे भर जाए। एक सेकेंड, भगवान नहीं भाई मुझे माफ कर दो, गड्ढे इसलिए बनाते हैं जिससे आंसू गड्ढे में भर जाए, नीचे वसीयत खराब न करे। ए भाई मिल लो जा रहा है भाई, इसलिए गड्ढे में पानी भर जाएगा, आंसू रुक जाएंगे, वसीयत खराब नहीं होगी। नहीं भाई। हेलो हेलो, नमस्ते अंकल। अरे बोल, कौन रहे? जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कौन बहुआ? मेरा पड़ोसी बहुआ। अरे मैं ही बहुआ, मैं तो जानते ही नहीं। हाँ तो जानना, मैंने बताया कि मैं जानना है। पैन कार्ड नंबर दूँ? नहीं नहीं, काम बोल, अपना काम बोल। जान पहचान के लिए फोन भी नहीं किया, मैं तो सीधा काम पे आऊँगा। अबे तो काम बोल। चिल्ला रहे, क्रोध को पालने सीख, काशी कात्या आ जाएगा कात्या। सॉरी, मैं कह रहा था लोग कहते हैं जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक कहते हैं। क्यों ठीक कहते हैं? छेद वाली थाली के कई फायदे होते हैं। फायदे होते तो मेरे को क्या फायदे बता रहा है? देखो अगर आप रसे वाली सब्जी खा रहे हो, तड़ी वाली सब्जी, और उसमें अगर मिर्च ज्यादा है, तो अगर छेद वाली थाली है तो छेद के रास्ते से वो पूरा का पूरा तड़ी जूस रस निकल जाएगा। तो मैं क्या करूं? तो मिर्ची ज्यादा नहीं लगेगी।